दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। नाला सुपारा संतोष भवन पांडे नगर में बजरंग दल एवं पारधी समाज के बीच हुई हिंसक झड़प की चौंकाने वाली जानकारी आई सामने। दोनों पक्षों के कुछ लोगों के साथ एक पुलिसकर्मी की भी हुई गिरफ्तारी। नाला सुपारा तुलिन पुलिस स्टेशन अंतर्गत संतोष भवन पांडे नगर में कल रविवार के दिन बजरंग दल एवं पारधी समाज के बीच लंबे समय से चलते विवाद के कारण हिंसक झड़प होने की खबर सामने आई थी, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर लाठी डंडों तथा पत्थरों से जमकर मारपीट की थी। दोनों ही पक्षों के कुछ लोग घायल भी हो गए थे। घटना की जानकारी पर तुलिन पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर दोनों पक्षों के कुछ लोगों को हिरासत में लिया था। इस मामले पर आज दिन में एक नया और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। आपको बता दें, इस मारपीट के बाद पुलिस द्वारा की गई जांच में एक पुलिसकर्मी जो कि मुंबई के किसी पुलिस थाने में तैनात है की भी संलिप्तता होने के कारण तुलिन पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आई है, जिसकी जानकारी खुद तुलिन पुलिस थाने के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर राजेंद्र कामले ने दी। ब्यूरो रिपोर्ट, सैफ न्यूज लाइव। सर, क्या कहोगे कल जो दो गट में मारामारी होता, क्या प्रकरण है पूरा? हमारे तुलिन पुलिस स्टेशन के अंदर में जो संतोष भवन एरिया आता है, वहाँ पर कल दो जो गट थे उनके ऊपर हमने एफ आई आर दाखिल किया है। उन्होंने वहाँ पर दो गुटों में उनका झगड़ा हुआ था और झगड़े की वजह से एक दूसरे में मारपीट हुई थी। वो मारपीट का स्वरूप देख करके हमने उनके ऊपर 324 और 326 का केस दर्ज किया है और उसमें अभी तक 7 लोगों को हमने अरेस्ट कर लिया है। सर, इनमें कितने जन जख्मी है? एक ऑफेंस में 3 लोग जख्मी है और एक में 2 लोग जख्मी है। नॉर्मल जख्मी थे कुछ लोग और कुछ लोगों के ऊपर अभी ट्रेट में देख के ऊपर चालू है। सर, ये मामले में पुलिस वाला भी अरेस्ट किया है, ऐसा भी कुछ? हाँ, एक पुलिस वाला जो था उसको भी हमने इस ऑफेंस में अरेस्ट किया है। उसका उसमें रोल दिखाई दिया, लोगों ने कंप्लेन नहीं, उसमें उसका नाम एफ आई आर में दर्ज किया तो हमने उसको भी अरेस्ट कर लिया। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।